नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खंडवा पुलिस द्वारा अंतर दिनांक 8 अप्रैल 2022 राज्य वाहन चोर गिरोह पकड़ा गया है। घटना का संक्षिप्त विवरण, जिला खंडवा के विभिन्न कस्बों से लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही थी। वाहन चोरी में आरोपियों की कार्यप्रणाली को देखते हुए किसी गिरोह का काम लगा रहा था, अतः विवेक से ही पुलिस अधीक्षक खंडवा द्वारा वाहन चोर गिरोह को पकड़ने के लिए जिला स्तर पर टीम का गठन किया गया और अनुभाग तथा थाना स्तर पर अलग अलग टीम का गठन कर आरोपियों को पकड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस के द्वारा लगाए गए विश्व स्तरीय सूत्र से जानकारी मिली है कि खंडवा से रिगोट तरफ एक संदिग्ध व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है। सूत्र विश्वसनीय होने से पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़कर पूछताछ की जाएगी और संदिग्ध के द्वारा अपना नाम ईश्वर निवासी जूतपानी का होना बताया है, किंतु अपने कब्जे की मोटरसाइकिल के बारे में असंतुष्टिकरण जवाब दिया गया और पुलिस के द्वारा विस्तार से पूछताछ करने पर ईश्वर ने सच्चाई बताते हुए कहा कि परसराम निवासी जामनिया कला थाना खालवा से उसने मोटरसाइकिल खरीदी है। पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम भेजकर परसराम की सघनता से तलाश कर खंडवा के रामनगर में पकड़ा गया है। घटना के तार खंडवा जिले और आसपास के जिले से मोटरसाइकिल चोरी की घटना से जुड़ने पाए जाने पर परसराम से पुलिस ने जब गंभीरता से पूछताछ की तो वह स्वयं ही मोटरसाइकिल चोरी का मुख्य सरगना निकला है और पिछले डेढ़ वर्ष से विभिन्न हाट बाजारों से लगभग 40 मोटरसाइकिल चोरी करना भी बताया गया है। उक्त जानकारी के आधार पर विवेक से ही पुलिस अधीक्षक खंडवा के निर्देश पर प्रकाश परिहार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा रविंद्र वास्कले और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हरसूद के मार्गदर्शन में वाहन चोरी की पतासी में लगी सभी टीमों को एक्टिव कर तत्परता से चोरी की गई मोटरसाइकिल और गिरोह में शामिल आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़कर तत्परता दिखाई गई है। वाहन चोर गिरोह सरगना परसराम यादव निवासी जामनिया कला का आसपास के क्षेत्रों में हाट बाजार के दिन खंडवा में से बस में बैठकर जाता था और सुनी जगह से खड़ी मोटरसाइकिलों को चुरा कर ले जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सहयोगी के साथ वाहन बेच देता था और आरोपियों द्वारा अभी तक खालवा, हरसूद, आशापुर, खंडवा, जावर, पिपलोत, छैगाव, माखन, बोरगाव, खमनार जिला, बुरहानपुर, सिमरोल व अन्य जगहों से वाहन चोरी की घटना को अंजाम भी दिया गया है। जब्त सामग्री आरोपी से जब्त कर ली गई है और इसी के साथ आपको बता दें कि आपराधिक रिकॉर्ड में वाहन चोर गिरोह के सरगना परशुराम पिता भागीरथ जाति गवली के विरुद्ध पूर्व में थाना कोतवाली खंडवा में धोखाधड़ी का अपराध भी पंजीबद्ध में होना पाया गया है और इस सराहनीय कार्य में शामिल पुलिस टीम उक्त कार्य में रविंद्र वास्कले अनुविभागीय अधिकारी पुलिस और परशुराम डावर थाना प्रभारी खालवा और उपनिरीक्षक रूप सिंह सोलंकी, राधेश्याम मंडलोई, आशीष रमाकांत मीणा, राधेश्याम पाल, सुनील आरक्षक भगवान दास, राजेश गौरीशंकर दीक्षित और थाना खालवा से साइबर सेल, खंडवा से प्रधान आरक्षक जितेंद्र राठौर, विक्रम सुनील पुलिस चौकी, रामनगर दिनेश कुमरावत, थाना छैगाव माखन से आरक्षक तेज चंदन और थाना धारणी जिला अमरावती के प्रधान आरक्षक प्रकाश गिरडकर का सराहनीय योगदान रहा। एक लड़की जो अपने मामा मामा के यहाँ अपने गांव जावर थाना क्षेत्र में आई थी, उसका कुछ चार लोगों ने उसका अपहरण किया है और शादी के उद्देश्य से, जिसके आधार पर उसमें रेलिवेंट धाराओं में आईपीसी के उसमें अपराध कायम किया गया था और तत्काल उसमें टीम लगाई गई थी, निर्देशित किया गया था, जिसमें टीम को सफलता मिली है और तीन आरोपियों को उसमें गिरफ्तार किया गया है और जो लड़की है उसको सकुशल हमने बरामद किया है और उसके आगे के कथन के आधार पर, विवेचना के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। उद्देश्य क्या था सर अपहरण का? अपहरण का उद्देश्य उस लड़की से शादी करने का था, जो मेन इसमें जो आरोपी है उसके द्वारा इसको शादी लड़की से शादी करने के उद्देश्य से अपहरण किया।